हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी है राइस खीर। बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है ये, बहुत सारे ओकेजन में हम लोग इसे अक्सर बनाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1/2 लीटर मिल्क, यहाँ पर ग्रेटेड गरी ली है और साथ ही मैंने चॉप्ड आलमंड्स लिए हैं, 30 ग्राम सोक्ड राइस लिया है 15 मिनट के लिए, बाद में हम लोग इसे रफली ग्राइंड कर लेंगे, 5 इलायची लिए हैं, उनके पाउडर बना लिया है, 50 ग्राम्स ऑफ शुगर लिया है। एक और बात, ड्राई फ्रूट्स जो हैं आप उन्हें अपनी पसंद का डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। तो सबसे पहले हाई फ्लेम पे हम लोग मिल्क को बॉईल कर लेंगे। बॉयल आने के बाद हम लोग जो है गैस का जो फ्लेम है उसे लो कर देंगे। दूध में उबाल आना शुरू हो गया है, फ्लेम को लो कर देंगे। दूध को पहले गाढ़ा कर लेंगे और दूसरी बात कि इसे बार बार हर 2 मिनट पर चलाते रहना है, ताकि जो बर्तन से लगना नहीं चाहिए दूध, नहीं तो जो खीर का टेस्ट है वो स्पॉइल हो जाएगा। तो उस बात का ध्यान रखें आप लोग। अब इसमें डालेंगे हम लोग रफली ग्राइंडेड जो सोक्ड राइस थे वो उन्हें डाल देंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि लम्स ना आए खीर में। हर 2 मिनट पे चलाते भी रहना है साथ में ही। इस रेसिपी को बनाने में करीबन 40 मिनट्स लग जाते हैं। इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम शुगर, मिक्स कर लेंगे। और हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, जो भी हमारे पास अवेलेबल होंगे वो हम इसमें डालेंगे, जो हमें पसंद होंगे। थोड़ा सा बचा लेंगे बाद के लिए और बाकी डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे खीर में। अब इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। और मिला लेंगे अच्छे से। याद रहे हर 2 मिनट में खीर को चलाते रहना है ताकि नीचे से ये लगे ना। खीर को बनाना बहुत ही आसान है, पर इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हमारी जो खीर है वो लगभग बन करके तैयार है। अब गैस बंद कर देंगे और ये देखिए टेस्टी क्रीमी राइस खीर रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब